जोशुआ, आओ। इस रविवार प्रभु यीशु हमें जेम्स और जॉन की कहानी के माध्यम से एक दिलचस्प सबक सिखाते हैं। वाह, वह हमें क्या सबक सिखाते हैं? एक दिन जेम्स और जॉन जब्दी के बेटे प्रभु यीशु के पास आए और कहा, गुरुवर, हमारी एक प्रार्थना है, आप उसे पूरा करें। प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने कहा, अपने राज्य की महिमा में हम दोनों को अपने साथ बैठने दीजिए, एक को अपने दाएं और एक को अपने बाएं बिठाना। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांग रहे हो। जो प्याला मुझे पीना है, क्या तुम उसे पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मुझे लेना है, क्या तुम उसे ले सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम ये कर सकते हैं। इस पर प्रभु यीशु ने कहा, जो प्याला मुझे पीना है, उसे तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मुझे लेना है, उसे तुम लेओगे। किंतु तुम्हें अपने दाएं और बाएं बिठा देने का अधिकार मेरा नहीं है। वह स्थान उन लोगों के लिए है जिसके लिए वे तैयार किए गए हैं। प्रभु यीशु फिर हमें यह सिखाते हैं। तुम जानते हो कि जो संसार के अधिपति माने जाते हैं, वह अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है, वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है, वह सबका दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं, बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आए हैं। जोशुआ, सुना? इस सुसमाचार मार्ग से हमें सिखाते हैं कि विनम्रता सबसे बड़ा गुण है। अगली बार फिर मिलते हैं। अलविदा।